अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलमान। एक बार फिर आप लोगों के साथ आगरा इन्फॉर्मेटिव चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर है मेरा कि बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्रॉब्लम्स अराइज। प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी अराइज बिकॉज ऑफ टू बेसिक फैक्ट्स। फर्स्टली ह्यूमन वॉन्ट्स for goods and services are unlimited, and secondly productive resources with which to produce goods and services are scarce. If our wants are virtually unlimited and our resources are scarce, we cannot then satisfy all our wants and desire by producing everything we want. Therefore economy has to decide how to use its scarce resources to attain the maximum possible satisfaction of the members of the society. Central problems of economy are following. तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हमने ये पढ़ा भी कि हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि आप एक दो तरह से पैदा होती हैं। एक तो ये कि ह्यूमन जो है वो चाह रहा होता है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को, जो उसकी डिमांड है, जो उसकी नीड है, उसको फुलफिल करना चाह रहा होता है, जो कि उसकी अनलिमिटेड होती है। लेकिन उसके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, यानी जो उसकी अर्निंग होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन उसकी जो है डिज़ायर है वो अनलिमिटेड होती है। तो उनको किस तरह से सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे किस तरह से सेटिस्फाई करें, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसके अलावा ये कि रिसोर्सेज उसके पास कम होते हैं और डिज़ायर जो है उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए इकॉनमी को डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह से जो है वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके। तो और इसके अलावा ये कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू मेक द इकोनॉमी ग्रो, और इकोनॉमी को किस तरह से ग्रो किया जाए। तो ये फोर क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं, ये कहने की फोर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट व्हिच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड व्हिच नॉट, सेकंड इन व्हिच व्हाट क्वांटिटीज those goods which the economy has decided to produce, क्या economy produce करे जो उसके लिए suitable हो, और क्या वो ना produce करे जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो लोगों के लिए feasible हो वो produce करे। इसके अलावा ये कि economy को decide करना पड़ता है कि उसके resources जो हम कितने हैं, उनके ज़रिए से वो कितनी goods and services को बना सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कि विच कॉम्बिनेशन रिसोर्सेज टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग, विच टेक्नोलॉजी इज टू बी मेड यूज ऑफ इन प्रोडक्शन, यानी क्या टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की जाए और किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट को बनाया जाए, अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा ये कि फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, इट इज़ टू बी डिसाइडेड दैट फॉर होम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स हाउ द नेशनल प्रोड्यूस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी, यानी एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट बनाई जाए और किस के लिए बनाई जाए, ताकि लोग जो है वो उनको इस्तेमाल कर सकें। हर इकॉनमी चाहती है कि अपनी इकॉनमी को, अपनी इकॉनमी को, हर कंट्री चाहती है कि अपनी इकॉनमी को ग्रो करे, मीन्स कि वो तरक्की करे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इकॉनमिक कंडीशन, इन एवरी इकॉनमी इज कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग इट्स इकॉनमिक कंडीशन इट स्टिल फर्दर बाई प्रोड्यूसिंग प्रोग्रेसिवली मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या करती है, हर कंट्री चाहती है अपनी इकॉनमी को ग्रो कर सके, और ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा ये कि प्रोसेस बाय वेयर बाय एन इकॉनमी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से इकॉनमी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। आज तक के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।